नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर पंजाब से। पंजाब में मानसून की पहली बारिश में मोगा प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जहां सड़कें, गलियां, सीवर नाले, नालियां पानी से भरी हुई हैं, वहीं मोगा के बग्यान बस्ती में एक 12 साल का बच्चा बारिश में नहाते वक्त बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सन्नाटा छा गया। आइए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने वरिष्ठ संवाददाता विपिन ओकारा जी। विपिन जी, बारिश में एक बच्चे की मौत, कैसे हुआ ये हादसा, बताइए जरा। ये जी मोगा के बाजीगर बस्ती है, वहाँ सुबह बारिश हो रही थी और बारिश का पानी खड़ा था। तो वहाँ पे मोहल्ले वाले बच्चे जो वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक बच्चे का जो है हाथ बिजली के पोल के साथ टच कर गया और उस पोल में करंट था, जिसके साथ करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा बच्चे को जान देकर उठाना पड़ा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, पानी बहुत खड़ा हो रहा जी। वो इतने खेल रहा था बच्चा, तो खेलता खेलता खंबे को चला गया, खंबे ना लग गया, करंट लग गया जी। अद्धा घंटा बिजली नहीं कटी गई, असि उन्हें बचा भी नहीं सके। कितनी उम्र का बच्चा सी? बच्चे जी 12 साल की उम्र है जी। बच्चे की मौके पर मौत हो गई या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है? ये थी विपिन ओकारा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।